हाँ जी बच्चे, क्लास एट बच्चे, चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर। बच्चे एक्सपोनेंट्स और पावर जो हैं, इसमें हम एक नया शेप, नई शक्ल पढ़ेंगे नंबर, जैसे आपके सामने 10 और इसके हेड के ऊपर छोटे साइज में 24 लिखा हुआ है। तो बच्चे ये 24 जो पार्ट है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, और 10 जो है इसे बेस बोलते हैं, और इसे रीड, इस नंबर को रीड कैसे करना होता है बच्चे, इसे रीड कैसे करना है, 10 raised to power 24। ठीक है बच्चे, तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर जो चैप्टर है, ये हमें एक नया एक शक्ल देता है नंबर की, और जो नई शक्ल है उसके जो पार्ट्स हैं, बेस को हमेशा बड़े साइज में लिखते हैं, और जो पावर है उसे हमेशा छोटे साइज में लिखा जाता है, और पावर वाले पार्ट को एक्सपोनेंट बोलते हैं, और बेस ये जो 10 है इसे बेस बोलते हैं, और रीड कैसे करते हैं, 10 raised to power 24। और ये जो 10 raised to power 24 जो आपके पास आया है, ये एक्सपोनेंशियल नंबर है, ये एक्सपोनेंशियल नंबर है। तो अब हमें सबसे पहले एक्सपोनेंशियल नंबर के बारे में पता लग गया, उसके किस पार्ट का क्या नाम है। अब हमें पढ़ना है पावर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। तो आप पावर में जैसे आपके सामने एक नंबर लिखते हैं 7 raised to power plus 2, तो बच्चे इसको यदि हम एक्सप्लेन करेंगे तो रेज टू पावर 2 को हम 7 × 7 = 49। ठीक है, एक नंबर लेते हैं 2 raised to power m, तो इसका मतलब है कि 2 × 2 × 2 × 2 × ……… है ना, और m टाइम्स कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये था, जब पावर पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में होगी तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे इसका स्टेप करोगे, है ना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है पावर विद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। ठीक है बच्चे, तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में हम सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देखिए क्या लिखते हैं, 10 raised to power। पावर को हमेशा छोट स्मॉल ही लिखना है, और अब पावर रेज टू पावर माइनस आ गया, तो अब माइनस की वजह से क्या होता है बच्चे, ये नीचे इसकी, सॉरी ऐसे नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, और 10 raised to power 1 का मतलब एक ही बार 10 आएगा, तो आपका आंसर जो है ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट 10 raised to power -2। 10 raised to power -2, पहले माइनस हमें क्या करेगा, इस पूरे नंबर को माइनस कहता है, इसे डिनोमिनेटर में ले जाना है, है ना। और 10 × 10 = 1/100 आ गया आपका। तो एक जनरल फार्मूला ले लेते हैं हम, देखो बच्चे क्या है कि इन जनरल फॉर नॉन जीरो इंटीजर्स, ठीक है, a raised to power -m = 1/(a raised to power m), ठीक है। तो m इज ए पॉजिटिव, m यहाँ पे m कौन है, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चे, वो आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट
एक चीज आपने इधर से रिजल्ट निकालना है, वो रिजल्ट आपने लर्न रखना है, a raised to power minus m is the multiplicative inverse, multiplicative inverse of a raised to power positive m. बच्चे रिजल्ट याद रखने हैं आपको, ठीक है. अब क्वेश्चन ये है कि हमें एक्सपोनेंशियल नंबर की जरूरत क्यों बनी, कहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, इसका यूजेस क्या है, ठीक है. तो बच्चे आपके सामने मैं एक नंबर लिखूंगा, मास ऑफ अर्थ. तो बच्चे मास ऑफ अर्थ जो है वो 596 मल्टीप्लाई 1, 2, 3, 1, 2, 3, 12, 15, 18. तो बच्चे आपके सामने ये मास ऑफ अर्थ जो है देखो कितना बड़ा नंबर है. तो एक्सपोनेंशियल नंबर की जो यूजेस है वो क्या है, कहाँ पे किया जाता है. 596 कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे बहुत लार्ज नंबर, जब बहुत बड़े नंबर को हमने लिखना होता है तब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जो है वो इस्तेमाल करते हैं. और ये आपका 10^22 आ जाता है. और जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखे जाते हैं बच्चे जी देखो 10^24 जी मास ऑफ अर्थ इतने के जी, ठीक है, इसका इतने के जी वेट. तो एक्सपोनेंशियल नंबर्स का जो यूजेस है वो लार्ज नंबर को डिनोट करने के लिए या उसे लिखने के लिए इस्तेमाल होता है. अब इसके नेक्स्ट वो आएंगे लॉज ऑफ द एक्सपोनेंशियल्स. बच्चे एक्सपोनेंशियल लॉज जो हैं वो आपने याद रखने हैं, इनके लॉज जो टॉपिक है वो क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. तो फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं बच्चे, लॉज लिखने से पहले बच्चे हमें जर्नल में पता होना चाहिए, लेट ए वी आर नॉन जीरो इंटीजर्स एंड एम कॉमा एन आर एनी इंटीजर्स. फर्स्ट लॉ ए रेज टू पावर एम अपॉन ए रेज टू पावर एन. बच्चे देखो इन दोनों एक्सपोनेंशियल नंबर की, न्यूमिनेटर वाले नंबर की भी और डिनोमिनेटर वाले नंबर की भी, बेसिस इनके सेम है, पावरें इनकी डिफरेंट है. तो ये किसके इक्वल हो जाती हैं, ए रेज टू पावर एम माइनस एन. जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसको फिर आपने उसके साथ माइनस लगा के और ए की बेस जो है वो बना के आप उसे सॉल्व कर सकते हो. फर्स्ट लॉ. सेकंड लॉ देखो जी, ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर एन, ठीक है. तो अब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्सपोनेंशियल और दोनों नंबरों का बेस सेम है और इनकी पावर जो है वो डिफरेंट है, तो बेस इज सेम पावर एड, ठीक है. अब देखिए थर्ड लॉ क्या बोलते हैं बच्चे, ध्यान दो इसकी स्टेटमेंट याद रखनी है, ए रेज टू पावर एम पावर एन. तो मल्टीप्लाई होगी है ना, दोनों पावर्स में मल्टीप्लाई होगी तो बेस का बेस रहेगा और दोनों दोनों पावर जो हैं एम इंटू एन बन जाएंगे,
मल्टीप्लाई ओके ठीक है। फोर्थ लॉ क्या है बच्चे, ए रेज टू पावर एम अपॉन बी रेज टू पावर एम। अब इधर देखो, इधर पावर सेम है ना, दोनों एक्सपोनेंशियल न्यूमिनेटर वाले का भी और डिनोमिनेटर वाले की पावर सेम है और बेसिस डिफरेंट है, तो फिर हम इसे ए अपान बी जो बेसिस हैं उनको वैसा ही रखेंगे और इन दोनों की पावर एक बना देंगे ऐसे करके, ठीक है। और फिफ्थ लॉ जो है, फिफ्थ लॉ, फिफ्थ लॉ ए रेज टू पावर जीरो। बच्चे कोई भी नंबर होगा, कोई भी बेस है जिसकी पावर जो है वो जीरो होगी, एनी नंबर, तो वो हमेशा उसका जो रिजल्ट है वो वन आएगा। बच्चे याद रखना है, ये बच्चे फाइव लॉज थे, ये पांच के पांच जो एक्सपोनेंशियल लॉ हैं ये आपको याद रखने हैं और ध्यान से इनका फिर इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट वन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन, इवैल्यूएट, ठीक है। आपको फर्स्ट पार्ट दिया गया है, थ्री रेज टू पावर माइनस टू, ठीक है। तो बच्चे जब इवैल्यूएट के लिए कहा गया है और आपके पास क्वेश्चन थ्री रेज टू पावर माइनस टू है तो आप इजी वे में सॉल्यूशन लिखेंगे, है ना। क्वेश्चन थ्री रेज टू पावर माइनस टू लिखा फर्स्ट स्टेप में, फिर माइनस है आपको पता है थ्री रेज टू पावर टू आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि एक्सपोनेंशियल लॉ जो आपने पढ़ा था ए रेज टू पावर माइनस एम इक्वल टू वन अपान ए रेज टू पावर एम पढ़ा था, तो इसी लॉ से आपने इसे इस स्टेप को कर लिया। अब थ्री रेज टू पावर टू है तो थ्री इंटू टू बाई टू टाइम्स, सॉरी इसको टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर दोगे और थ्री थ्री या नाइन जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। जी आपने थ्री रेज टू पावर माइनस टू को एवेल्युएट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.1 का ही बच्चे सेकंड क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द क्वेश्चन नंबर सेकंड। बच्चे सभी क्वेश्चन, सभी बच्चे बुक से क्वेश्चन हेडिंग पढ़ेंगे, सी बुक पेज एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर टू, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशंस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। बच्चे आपके पास पार्ट दिया गया है, माइनस फोर रेज टू पावर फाइव डिवाइडेड बाय माइनस फोर रेज टू पावर एट, ठीक है। बच्चे पहले क्वेश्चन को समझो, फिर दिमाग में एक्सपोनेंशियल के लॉज जो है उनको उनका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले देखो बच्चे, डिवाइड का मतलब आपको पता है क्या होता है ना, तो आप इस क्वेश्चन में न्यूमिनेटर वाला पार्ट आपका फोर रेज टू पावर थ्री आ गया और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, अपान का मतलब नीचे लिखना होता है और फोर रेज टू पावर आप ये बच्चे छोटे साइज में लिखो ऐसे, ठीक है। ये तो डिवाइड वाले साइड ने आपको ऐसा करने के लिए कह दिया। अब एक्सपोनेंशियल आपको क्या कहता है बच्चे, दोनों के बेसिस आपके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो एक्सपोनेंशियल नंबर हैं न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, ये तो बेसिस इनके सेम आ रहे हैं, है ना, और पावर जो है वो डिफरेंट है, तो आपने इस स्टेप को माइनस फोर रेज टू पावर फाइव और बच्चे जो डिनोमिनेटर में आपके पास नंबर होता है उसकी पावर जो है वो पावर वाले के साथ आगे क्या लग जाता है, माइनस। तो इधर लास्ट लिखना है कौन सा लॉ आ गया बच्चे, ये ए रेज टू पावर एम अपान ए रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए
m माइनस n, ठीक है. नेक्स्ट माइनस फोर. अब फाइव माइनस एट आपको पता है, ये आपने पीछे बहुत बार किया होगा, तो माइनस थ्री आ जाता है ना. और अब दोबारा से इधर एक्सपोनेंशियल ना लगे, माइनस हमें क्या कहती है ना, इसी तरह से हमने इसे ठीक करना है ना. और कौन सा इधर भी ला लिखना है, क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज देयर फोर ए रेज टू पावर माइनस एम इक्वल टू वन अपॉन ए रेज टू पावर एम, है ना. और नेक्स्ट आप नेक्स्ट बचे स्टेप जो आएगा माइनस सॉरी वन अपॉन माइनस फोर बचे जो पावर है थ्री आपने इसकी. और आपको जो कहा गया था कि जो रिजल्ट आएगा वो पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स लिखना है. ये बचे पावर आ गई है एक सिंगल पावर और साथ में ये पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल नंबर बन गया है. और आपका आंसर जो है बस इस तरह से आपने बता देना, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड जो है बच्चे, क्वेश्चन थर्ड को भी आपने ध्यान से बुक से क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, और फिर उसके जो सॉल्यूशंस ध्यान देना है कि सॉल्यूशन कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चे, फाइंड द वैल्यू निकालनी है. ये पार्ट है 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2. बच्चे इस ये जो इक्वेशन दी गई है इसे आपको वैल्यूएट करना है. तो सॉल्यूशन बच्चे देखो, 3 रेज टू पावर 0 आ रहा है, तो किसी भी नंबर की पावर जो है जब 0 होती है तो बच्चे आप उसे, अभी आपको फिफ्थ लॉ जो है वो एक्सपोनेंशियल फिफ्थ लॉ में पढ़ा आपने, प्लस 4 रेज टू पावर माइनस 1 का ऐसे ही रखो, मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2 ऐसे सेम का सेम रखो, है ना. अब 1 प्लस बच्चे माइनस जो है इधर आपने लॉ लिखना है, ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है. तो 4 रेज टू नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन 4 लिखोगे, है ना, 2 रेज टू पावर 2 लिखो. और ए ऐसे क्यों लिख दिया आपने, साथ में ला को मेंशन करना है बच्चे, ए रेज टू पावर माइनस एम इक्वल टू 1 अपॉन एम होता है ना. और नेक्स्ट अब आपको पता है कि एलसीएम 4 आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 2 आएगा, 4 प्लस 1 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2 को आप कैसे लिखते हो, 2 मल्टीप्लाई 2, है ना. और ये दोनों 2 2 जा 4 ऊपर नीचे कट जाते हैं और आंसर आपका क्या आ रहा है. तो बच्चे जितने भी क्वेश्चन आपके 11.1 एक्सरसाइज के हैं सभी के सभी क्वेश्चनों का होमवर्क करना है. किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी तो बच्चे आपने 9018571456 नंबर पे कॉल करना है. कॉलिंग टाइम 5 PM टू 5:30 PM है. तो अपना काम साफ सुथरा करो बच्चे. थैंक यू बच्चे, थैंक यू, आई लव यू.